या ये सबसे जो चीज है हाँ। वो प्राइस ही इसका हिट करता है। अच्छा 90 रुपए मटन तो यहाँ कोई देगा भी नहीं आसपास। तो है गाइस फूड इट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो भाई आज हम आ गए करोल बाग के अंदर। तो करोल बाग के अंदर भाई एक नॉन वेज के लवर है ना जो, उनके लिए बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में इस प्राइस रेंज के अंदर आपको नॉन वेज मिलने वाला कहीं नहीं है। तो हम आज आ गए, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कहाँ पे हैं। नहीं लग पा रहा, लग रहा है तो बता दो। अगर जिनको लग रहा है तो कमेंट में डाल देना फटाफट। नहीं लग रहा तो हम बताते हैं, हम आए हैं सरदार जी मीट वालों पे। तो सरदार जी जो मीट वाले हैं भाई साहब, इनके रेट इतने रीजनेबल हैं और मैं कह रहा हूँ ऐसा टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे करोल बाग के आसपास। तो इसलिए हम टेस्ट करते हैं आपको और बताते हैं आपको यहाँ टेस्ट कैसा है। और सरदार जी से मिलवाते हैं और इन्होंने उनसे पूछते भी हैं जो इन्होंने रेट रखा हुआ है इतना रीज़नेबल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो खाना बनाते हैं ना, देसी घी में खाना बनाते हैं, वो देसी घी में और इतना रीज़नेबल प्राइस मतलब मिलने वाला नहीं है। तो चलते हैं सरदार जी के पास और इनसे पूछते हैं और सारी डिटेल सरदार जी से पूछवाते हैं। तो चलिए चलते हैं सरदार जी के पास। तो चलिए चलते हैं सरदार जी के पास और रेट सुन के आप दंग होने वाले हैं क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर रेट लग गए हैं। मटन करी जो 90 रुपये के अंदर है और चिकन करी 70 रुपये के अंदर और मटन साग 110 रुपये में, ओ सॉरी साग मटन एक ही बात हो गई, और कीमा कलेजी 130 रुपये। इस रेंज के अंदर आपको देसी में खाना कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए मिलवाते हैं सरदार जी से और आपकी बात करवाते हैं कि इतने रीजनेबल कैसे रखे हुए हैं। तो मिलवाते हैं यहाँ के करता था यहाँ के ओनर से। तो पाजी सबसे पहले अपना नाम बताओ आप। हरप्रीत सिंह सेठी। और इस ये आपकी शॉप है, इसको कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 साल में मतलब इतना रीजनेबल रेट आप समझ नहीं पा रहा हूँ। इस रेट में तो कहीं रेडी वाला भी नहीं देता जो आप इस रेट में दे रहे हो। हमें सेल चाहिए ना, हमारी सेल 50-60 किलो रोज की है। 50-60 की सेल रेंज है। अच्छा अच्छा। और मैंने सुना है यहाँ पे देसी घी में खाना बनाते हो। देसी घी में बनाते हो तो देसी घी में कैसे मतलब कर पा रहे हो आप, सब मैनेज कैसे कर पा रहे हो? सेल के ऊपर है ना। अच्छा, अगर आपकी सेल रोज की 50-60 किलो माल की है तो देसी घी जो मर्जी बनाओ। अच्छा, अगर हमें 10 किलो बेचना है तो कहाँ से खर्चे पूरे करोगे आप? सही बात है बिल्कुल। हाँ, और वैरायटी क्या क्या रहती है आपको एक बार? चिकन करी, मटन करी, कीमा कलेजी, साग चिकन, साग मटन, मीट चावल, चिकन चावल, मकई मसाला, इतनी सारी वैरायटी होने वाली है वो भी रीजनेबल प्राइस। एक बार हमें थोड़ा सा रेट भी, एक दो आइटमों के रेट भी बता दो जरा। चिकन करी 70 रुपये का 1 लग पीस है। अच्छा 70 रुपये में भाई साहब, 70 रुपये कहीं नहीं मिलने वाली। मैं कह रहा हूँ रेडी वाला भी कोई नहीं देता है जो यहाँ देसी घी में मटन में खाना मिलने वाला। 90 रुपये का मटन का 1 पीस है। 90 रुपये मटन मिलने वाला है। कीमा के लिए 130 रुपये की है। भाई साहब मतलब अनब्रेकेबल प्राइस है इनके, ऐसा प्राइस नहीं मिलने वाला आपको दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूँ रेडी वाला भी नहीं देता कोई, भाई साहब के पास मिल रहा है। तो एक शॉप की टाइमिंग और बता दो हमारे। 12 बजे शुरू होता है, सुबह 12 बजे से रात 11 बजे तक। रात के 11 बजे तक। और जैसे कोई हमारा व्यूवर यहाँ पे आना चाहता तो एड्रेस क्या पड़ेगा? गली नंबर 75 रायगढ़पुरा करोल बाग। अच्छा, तो चलिए हम भी लगवाते हैं सरदार जी से अपनी आइटम है और टेस्ट करके बताते हैं हमको टेस्ट कैसा है यहाँ का। तो क्या क्या आइटम है? पहले आइटम क्या है जी? कीमा के लीजिए। कीमा के लीजिए। तो भाई रंगत देखो कितनी प्यारी रंगत आ रही है, मतलब मुँह में पानी आ रहा है एकदम। जिस व्यूवर के मुंह में पानी आ रहा है फटाफट आके ट्रेस करें हमें कीमा कलेजी। भाई खुशबू बड़ी प्यारी उड़ रही है। और नेक्स्ट आइटम क्या है भाजी हमारी? मटन करी है। तो मटन करी का देख लो भाई, रोगन कितना प्यारा रोगन आ रहा है, कलर देख के हम ना दीवाने हो जाओगे यहाँ के, देखो मज़ा ही आ रहा है। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारी भाजी? ये आ गई हमारी चिकन करी। तो चिकन करी भी रंगत देख लो भाई साहब, मज़ा ही आने वाला आपको देख के। तो ये क्या है? ये हमारे पीस आ गए भाई साहब, लेग पीस है। तो फटाफट टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं यहाँ के कैसा है। और यहाँ की प्राइस रेंज की लिस्ट देख सकते हैं आप, जो रेट लिखे हुए हैं और पाजी की शक्ल पहचान लो, यही मिलने वाले हैं आपको इस प्राइस रेंज में, यही देने वाले हैं। तो फटाफट हम भी लगवाते हैं अपनी और टेस्ट करके बताते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जो है ना लगी रहती है। अभी थोड़े से फ्री हुए थे पाजी तो हमने बात कर पाए पाजी से, नहीं तो भीड़ वगैरह रहती है यहाँ पे और लोग खा के जा चुके हैं। अब हम भी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको। तो देख सकते हो ये है इनकी शॉप। तो चलिए एक आधे बंदे से हम यहाँ का रिव्यू भी करते हैं कि कैसा टेस्ट है यहाँ का। तो भैया यहाँ पे खा रहे हैं तो पूछते हैं भैया, भैया टेस्ट कैसा है यहाँ का? भैया मैं सच बताऊँ तो तरी ग्रेवी से लेके और मटन तक, पहली बात तो इतना सस्ता कहीं है नहीं। हाँ। रेट देख के हम रुक गए। अच्छा। तो खाना खाने का बाद ऐसा लग रहा है ऐसा टेस्टी खाना के आसपास नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब इस प्राइस रेंज के, मतलब जो प्राइस रेंज है यहाँ के, प्राइस रेंज के हिसाब से बताओ आपका कैसा रेट टेस्ट है यहाँ का? भैया ये सबसे जो चीज है वो प्राइस ही इसका हिट करता है। अच्छा, 90 रुपए मटन तो यहाँ कोई देगा भी नहीं आसपास, आपको खाली प्लेट में देगा, रेडी वाला भी नहीं देगा कोई 90, कोई नहीं देगा भैया। और ग्रेवी, और देखो ग्रेवी इतनी टेस्टी है ना, ये सारी ग्रेवी और ये मटन
बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल स्पंज की तरह बिल्कुल। सुबह से भूखे थे और ये चीज मिल गई तो बस खत्म करने पे लगे। तो मटन के दीवाने भाई, मटन देखे कहीं भी रुक जाते हैं। और इस प्राइस रेंज के अंदर कितने 92 रुपीज के अंदर नहीं मिलने वाला, तो फटाफट से हम भी लगवाते हैं अपनी प्लेट और टेस्ट करते हैं फटाफट से। तो भाई ये लग चुकी है हमारा खाना, और खाने में सबसे पहले हमारे ये आ चुका है कीमा गलेजी। तो कीमा गलेजी की रंगत देखो भाई, गलेजी और ये और कीमा से मिक्स है काफ़ी। और दूसरी आइटम है हमारी मटन, मटन करी। और मटन करी भी काफ़ी बड़ी लगी, खुशबू जो है ना दिल जीत रही है, खुशबू इतनी बढ़िया है। और ये है हमारा चिकन का लेग पीस, मज़ा ही आ रहा देख के। तो करते हैं टेस्टिंग, और टेस्टिंग करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। क्या पहली बनाते हैं बाइट, और पहली जो बाइट बना रहे हैं ना, ये लच्छा पराठा है साथ के साथ में हमारे। तो मतलब लच्छा पराठा अलग है, इंक्लूड मत समझ लेना कहीं, कैसे सोच फ्री मिल रहा हो यार, अलग है बिल्कुल। तो पहली बाइट बनाते हैं कीमा गलेजी से। तो कीमा गलेजी से बाइट बना रहे हैं पहली, देखो वैसे मुंह में पानी आ रहा है देख के, खा के कैसा होने वाला है। ला जाओ आप, मज़ा ही आ गया कीमा गलेजी में। इससे बेहतरीन इस प्राइस रेंज के अंदर आपको नहीं मिलने वाली, बहुत ही बढ़िया है। और नेक्स्ट आइटम है हमारी मटन, मटन भी ट्राई करते हैं। मटन के अंदर आया एक नल्ली का पीस और एक आया छोटा पीस आया वो भी हड्डी वाला, ये ट्राई करते हैं हम। ये भी लाजवाब है, और चटनी पाजी है, चटनी काफ़ी बढ़िया है, मज़ेदार है। मतलब जो आप कोई भी इसमें सब्जी खा रहे हो, कोई भी डिश खा रहे हो, चटनी के साथ खाने ना एक इन्हेंस हो जा रहा है टेस्ट, मतलब इतना बढ़िया है। और नेक्स्ट टाइम है लास्ट जो आइटम है हमारी चिकन का लेग पीस। तो ये हमारा चिकन का लेग पीस, ओए होए होए ओए होए होए भाई साहब, इतना सोगी सा हो रहा है, इतना सॉफ्ट हो रहा है, मज़ा आ गया। मतलब इतना सॉफ्ट हो रखा है, मतलब प्रॉपर पूरा पका हुआ है। सारी आइटम भी ऐसी हैं, मटन भी ऐसा हो रहा है ना बिल्कुल, एक बाइट मतलब हाथ से आराम से टूट रहा है, इतना अच्छे से प्रिपरेशन मतलब पका हुआ है। अब ये नेक्स्ट आइटम लास्ट आइटम ट्राई करते हैं इनकी, और टेस्ट करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इसका भी। वैसे सारी आइटम मज़ेदार हैं इनकी, ये भी करते हैं भाई। ओए होए 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 भाई साहब, मुँह में ना फ्लेवर निकल रहे हैं, मसालों के फ्लेवर निकले। ऐसा नहीं कि मसाले काफ़ी ज़्यादा हैं, बिल्कुल लाइट मसाले हैं कि हर बंदा खा सकता है, इतना बढ़िया टेस्ट है। तो सारी चीज़ें हमने कर चुके हैं ट्राई, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया है। मैं रिकमेंड करूँगा इस प्राइस रेंज के अंदर, और इससे बेटर खाना कहीं नहीं मिलने वाला, वो भी नॉन वेज वाले। नॉन वेज लवर जो मेरे भाई हैं, फटाफट यहाँ पर आए और ट्राई कर ले। और इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और ये फिनिश करके चलते हैं घर पे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी करते हैं बाय बाय, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो जाके सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय।